please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में पुलिस एकेडमी में एक आत्मघाती धमाका हो गया। इस धमाके में 18 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिस कर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाका सुबह के वक्त किया गया जब बड़ी संख्या में यहां पुलिस कर्मी इकट्ठा होते हैं। पुलिस के मुताबिक इस दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। सोमालिया के आतंकी संगठन अल शबाब ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। वेस्ट बैंक में इसराइल के सैनिक अचानक सड़क पर दौड़ने लगे, ऐसा यरूशलम के मुद्दे पर फिलिस्तीन समर्थकों की हिंसा के बाद हुआ। जब उन्हें काबू करने के लिए इसराइल के जवान फायरिंग करते हुए तेजी से आगे बढ़े, इससे पहले हाथों में झंडे लेकर विरोध जताने के दौरान लोग हिंसक हो गए और सुरक्षा बल पर पत्थर फेंकने लगे। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे थे। इसके बाद इसराइल की सेना ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन जब वो नहीं भागे तो हथियारों से लैस जवानों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कई फिलिस्तीन समर्थकों को दबोच लिया गया। भारी भरकम गाड़ियों के साथ पहुंचे जवानों का ये आक्रामक रुख देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर की शांति के बाद वेस्ट बैंक में दोबारा हंगामा होने लगा और लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। सड़क पर टायर जलाने के बाद एक बार फिर इजरायली सैनिकों पर प्रदर्शनकारी पत्थर बरसाने लगे, जिसमें कई लोग घायल हुए जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलिस्तीन समेत कई दूसरे मुस्लिम मुल्कों में यह गुस्सा अमेरिका के उस फैसले के बाद भड़का जिसमें यरूशलम को इजरायल की राजधानी का दर्जा दे दिया गया। यही वजह रही कि वेस्ट बैंक के पास हेब्रॉन शहर में भी बवाल जारी रहा। यहां भी वेस्ट बैंक की तरह इजरायली फौज को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाते हुए पत्थर मारे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद हेब्रॉन में भी जवानों ने फिलिस्तीन समर्थकों को मौके से दौड़ाना शुरू किया। दावा है कि इस दौरान सैनिकों की तरफ बम भी फेंके गए। हालांकि शुरू में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अमेरिका विरोधी रैली निकाल रहे थे, रैली के बाद इन लोगों ने ट्रंप का सुअर जैसा पुतला बनाया और उसे फूंक डाला। पुतला फूंकने के बाद भीड़ अचानक हिंसक हो गई और लोग हमलावर हो गए। इसके बाद इजरायली जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिसमें उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल की। लेकिन फिलिस्तीन में हिंसा का दौर फिलहाल थम नहीं रहा, तो वहीं इजरायल की सेना भी पूरी सख्ती के मूड में दिख रही है, जिसकी झलक गाजा पट्टी में एक बार फिर दिखी। इजरायल के ताजा हवाई हमले में यहां कई घर मलबे के ढेर में बदल गए। हमला इतना ताकतवर था कि एक जगह बड़ा गड्ढा बन गया जिसे देखने के लिए बच्चे जमा हो गए। الى جوار المعسكر فجينا والصاروخ الاول ضرب على تم اسعافهم وباقي بالعشرات يعني من الاسرى في البدء غنیمت یہ رہی کہ اس حملے میں کسی آدمی کی جان نہیں گئی۔ وہیں یروشلم پر ترکی اور دوسرے مسلم دیشوں کے کڑے رخ کے بعد سعودی عرب نے بھی امریکہ کے فیصلے کی نندہ کی۔